खबर लखनऊ से है, जहां शुक्रवार को सदन शुरू होने से पहले सपा विधायक मनोज पांडे ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के लोग जनता के साथ हैं, उन मजदूरों के साथ हैं जिनके पेट में रोटी नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा हर गरीब के साथ है जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। लखनऊ से संवाददाता रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, समाजवादी पार्टी जनता के साथ है, समाजवादी पार्टी उन मजदूरों के साथ है जिनके पेट में रोटी नहीं है, समाजवादी पार्टी उन बेरोजगार नौजवानों के साथ है जिनके हाथ में नौकरी नहीं है, समाजवादी पार्टी उन अन्नदाताओं के साथ है जिनके पास अपने उत्पादन का मूल्य नहीं है, समाजवादी पार्टी उन लोगों के साथ है जिन्हें आज थाने और तहसील में न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिला अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है। और जहां तक आपने अभी भाषण की बात की, वो तो सरकार का लिखा लिखाया एक पढ़ा हुआ रटा हुआ भाषण होगा, लेकिन सच्चाई उससे बहुत इतर है। आज प्रदेश में भुखमरी है, आज गरीबी है, बेरोजगारी है, थाने और तहसील में भ्रष्टाचार है, न्याय नहीं मिल पा रहा लोगों को।